बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है, रोहित हलाल कमेटी ने जो है वो कल शाम ऐलान किया था कि आज ईद उल फितर अदा नहीं की जाएगी। इसी सूरत में नाज़रीन, आज एक और अपडेट रोहित हलाल कमेटी की जानिब से आई है। नाज़रीन, रोहित हलाल कमेटी का कहना है कि आज भी जो है वो चांद ना नज़र आने का इम्कान है। माहिर फलकियात का कहना है कि चांद जो है वो आज फिर शायद नज़र नहीं आएगा। लेकिन अच्छी खबर नाज़रीन ये है कि आज जो है वो आखिरी रोज़ा होगा और कल जो है हर सूरत में ईद उल फितर पाकिस्तान में अदा कर दी जाएगी। नाज़रीन, ये रोहित हलाल कमेटी का फाइनल डिसीजन है कि कल ईद उल फितर अदा कर दी जाएगी, बेशक चांद नज़र आए या ना आए। बज़ाहरी तौर पर माहिर फलकियात का कहना है कि चांद की पैदाइश हो चुकी है और वो अभी तक पाकिस्तान में नज़र नहीं आया, लेकिन कल जो है वो ईद उल फितर पाकिस्तान में अदा कर दी जाएगी। जो है रोज़े वो 30 होंगे और जो ईद उल फितर है वो कल बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान में अदा कर दी जाएगी। नाज़रीन, ये उनका फाइनल डिसीजन है। आपको मज़ीद अपडेट्स के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।